الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

for love الله اكبر الله اكبر لا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم वालेहिं। वालेहिं। जैसा कि कोई शुमे में बताया था मैंने आज हतल के दौरे खिलाफत में ईरानियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का बयान होगा इस सिलसिले में एक जंग जो हुई उसे जंगसिल या जंग काज़मा कहते हैं ये जंग मुहरम हराम बारह हिजरी में हुई ये जंग तीन नामों से मरूफ़ है जंगसिल जंग, जंग काज़मा और जंग हफ़ीर इस जंग को ज़ात उसिल जंजीरों वाली जंग इसलिए कहा जाता है कि अरबी में सिलसिला जंजीर को जिसकी जमा सलासल है जंजीर को कहते हैं जिसकी जमा सलासल है क्योंकि इस जंग में ईरानी फ़ौज ने अपने आप को एक दूसरे के साथ जंजीरों में जकड़ लिया था ताकि कोई शख्स जंग से भागने ना पाए से हासिल की इस रिवायत को बाज़ बाज़मरखीम तस्लीम नहीं करते ये जंग मुसलमानों और ईरानी के दरमियान काजमा मुक़ाम के करीब लड़ी लड़ी गई थी इसलिए इसे जंग काज़मा के नाम से भी मासूम करते हैं काजमा जो है ये बसरा से बहरीन जाते हुए बाहर पर एक बस्ती है हफीर इलाका में होने की वजह से इस जंग को जंग हफीर भी कहा जाता है मुसलमानों की तरफ से इस जंग के सिफा हजरत ख़ालिद बिन वलीद थे और ईरानियों की जान सिफा सलार का नाम हरमुस था मुसलमानों के लश्कर की तादाद अठारह हज़ार थी जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि हरमुज़ युजा खुद बात में कि हरमुज ईरानियों की जानब से इस, इस इलाक़े का हाकिम था जो हसब व और शरफ वज्जत में अक्सर उमराए ईरान से बड़ा हुआ था ईरानी मौजदीन की आदत थी कि वो मामूली टोपियों के बजाय कीमती टोपियाँ पहनते थे और हसब व नस्ब और, और में जो शख्स मरतबे का हो जो शख्स जिस मरतबे का होता था उसी मुनासब से कीमती टोपी पहनता था सबसे बेशकीमती टोपी के लिए कहा जाता है कि एक लाख दिरहम की होती थी जिसे वही शख्स पहन सकता था जो शर्फ और इज़्ज़त और तकीर व वजहत में कमाल दर्जे पर पहुँचा हुआ हो और हरमस का मरतबा के मरतबे का अंदाज़ा इस अमर से हो सकता है कि इसकी टोपी की कीमत भी एक लाख तेरह थी ईरानियों के नज़दीक तो इसकी वजहत मुसलम थी लेकिन इराक़ की हदूद में बसने वाले अरब में इसको नफ़रत की निगाह से देखा जाता था क्योंकि वो उन अरबों पर तमाम सरहदी अमरात से ज़्यादा सख्ती और जुल्म करता था अरबों की नफ़रत इस हद तक पहुँची हुई थी यानी गैर मुसलमान अरब जो थे कि वो किसी शख्स की खबासत का जिक्र करते हुए हरमोज़ हरमोज़ का नाम बतौर जरबुलमसल जरबुलमसल लेने ले लगे थे चुनाच कहते थे कि फलां शख्स तो हरमोज से भी ज़्यादा खबीस है फलां हरमो से भी ज़्यादा बदफितरत और बदतीनत है फलां शख्स हरमोज से भी ज़्यादा एहसान फरामोश है और इसी वजह से हरमोज तो अरबों के पैदर छापों पे, और झड़पों का भी सामना करना पड़ता था और दूसरी तरफ हरमुज़ की झड़पें हिंदुस्तान के बहरी कज़ाकों से भी होती रहती थी बहरहाल खालिद बिन वलीद ने यमामा से रवानगी से कबल हरमुज़ को ख़त लिखा था उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि अम्माबाद फरम इख्तियार कर लो तो महफूज रहोगे या अपनी और अपनी कौम के लिए हिफाजत की ज़मानत हासिल कर लो और जजिया देने का इकरार करो वरना तुम बजुज अपने आप के किसी और को मलामत नहीं कर सकोगे मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए ऐसी कौम को लाया हूँ जो मौत को यूँ पसंद करती है जैसे तुम जिंदगी को पसंद करते हो जब हजरत खालिद का ख़त हरमुश के पास पहुँचा उसने अर्दशीर शाह किसरा को इसकी इतला दी और अपनी फौजें जमा हैं और एक तेज़ राउत दस्ते को लेकर फ़ौर हजरत खालिद के मुकाबले के लिए काजमा पहुँचा और अपने घोड़ों से आगे बढ़ गया मगर उसने इस रास्ते पर हजरत खालिद बिन वलीद को ना पाया और उसको ये इत्तला मिली कि मुसलमानों का लश्कर हफीर में जमा हो रहा है इसलिए पलट कर हफीर की तरफ रवाना हुआ हफीर बसरा से मक्के की जानब मके की तरफ जाते हुए पहली मंजिल थी वहाँ पहुँचते ही अपनी फौज की सफाई की हरमज ने अपने दाएँ बाएँ दो भाइयों को किया। उनमें से एक का नाम कोबाश और दूसरे का नाम अनुशजान था ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया था इस में यही बयान हुआ है और ये कहा जाता है कि इस पर वो लोग जिनकी राय इसके ख़िलाफ़ थी जब उन्होंने ये मंजर देखा तो कहा कि तुम लोगों ने दुश्मन के लिए ख़ुद ही अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया है ऐसा ना करो ये बुरी फ़ाल है इसका उन्होंने जवाब दिया जिन इस हक़ में थे कि जंजीरों से जकड़ा जाए कि तुम्हारे मुतलक हमें इतला मिली है कि तुम भागने का इरादा रखते हो जब हजरत खालिद को हरमुज़ के हफीर पहुँचने की इतला मिली तो आप अपने लश्कर को लेकर काजमा की तरफ मुड़ गए हरमु को उसका पता चल गया तो फ़ौर काजमा की तरफ रवाना हुआ और वहाँ पड़ाव किया हरमु और उसके लश्कर ने सफाराई की और पानी पर उनका कब्ज़ा था जब हजरत खालिद बिन वलीद आए तो उनको ऐसे मुकाम पर उतरना पड़ा जहाँ पानी नहीं था लोगों ने आपसे इसकी शिकायत की आपके मरादी ने ऐलान किया कि सब लोग उतर पड़ें और सामान नीचे उतार लें और दुश्मन से पानी के लिए लड़ाई करें क्योंकि वह खुदा पानी पर उसी जमात पर कब्ज़ा होगा जो दोनों ग्रहों में से ज़्यादा साबित कदम रहेगी और दोनों लश्करों में ज़्यादा मोज़ होगी इस पर सामान उतार लिया गया सवार फ़ौज अपनी जगह खड़ी रही पैदल फ़ौज ने पेशकदमी की और दुश्मन पर हमला और हुई दोनों तरफ लड़ाई शुरू हुई तो अल्लाह ने एक बदली भेजी मुसलमानों की सफ़ों के पीछे बारिश हुई मुसलमानों को इससे क़वत मिली हरमज ने हज़रत खालिद के लिए एक साजिश तैयार की उसने अपने दिफाई दस्ते से कहा कि वह हजरत खालिद को मुबारजत की दावत देता हूँ कि मैं हजरत खाल खालिद को वार्जत की दावत देता हूँ और इस दौरान कि मैं उनको अपने साथ मसरूफ रखूँगा तुम लोग अचानक चुपके से हजरत खालिद पर हमला कर देना इसके बाद हरमज मैदान में निकला हजरत खालिद अपने घोड़े से उतर पड़े हरमज भी अपने घोड़े से उतरा और उसने हजरत खालिद को मुकाबले की दावत दी हजरत खालिद चल कर उसकी तरफ़ आए और दोनों में मुकाबला हुआ दोनों तरफ से वार होने लगे हजरत खालिद ने हरमुस को भेज लिया उस पर हरमुश के दिफाही दस्ते ने खानत से काम लेते हुए हजरत खालिद पर हमला कर दिया और उन्हें घेरे में ले लिया जब इस तरह लड़ाई हो रही हो एक एक की तो फिर दूसरे हमला नहीं करते लेकिन बारह उनकी फ़ौज ने हमला कर दिया इन पर इसके बावजूद हजरत खालिद ने हरमु का काम तो आम कर दिया हजरत काका बिन अमर ने जैसे ही ईरानी की ये खयानत देखी तो हरमुस के दफ़ाई दस्ते पर हमला कर दिया और उन्हें घेरे में लेकर मौत की नींद सुला दिया ईरानियों की शिकस्त फाश हुई और वो भाग गए भागने वालों में कुबाज़ और अनुशान भी थे मुसलमानों ने रात के अंधेरे में ईरानियों काबुब किया और दरियाए फरात के बड़े पुल तक जहाँ आज कल है उन्हें कत्ल करते चले गए जंग के अख्ताम पर खालिद ने माले का नीमत जमा कराया इसमें एक ऊँट के बोझ के बराबर जंजीरें भी थीं उनका वजन एक हज़ार रतल था यानी जंजीरों तकरीबन तीन सौ पचहत्तर किलो जो माले का नीमत हजद की तरफ भेजा गया उसमें हर्मस की एक टोपी भी थी जिसकी कीमत एक लाख दरहम थी और वह जवाहरात से मरसर थी हजद की नई टोपी हज़रत खालिद बिन वलीद को कोताफरमाती थी हज़रत खालिद ने फतह की खुशखबरी मालेव नीमत में सेमस ख़ुमस और एक हाथी मदीना रवाना किया और हर तरफ इस्लामी लश्कर की फतह का ऐलान कर दिया जर बिन कुलैब ख़मुस और हाथी को लेकर मदीना पहुँचे एहले मदीना को इससे कबल हाथी देखने का कभी ना हुआ था मदीना वालों का तो तस्करा ही किया अरब के किसी और बशिंदे ने भी अब्राह के हाथियों के सिवा आज तक हाथी की सूरत न देखी थी जब लोगों को दिखाने के लिए उसको सारे शहर में गश्त कराया गया तो बूढ़ी औरतें उस हाथी को देखकर बहुत मुताज हुईं और कहने लगीं जो हम देख रही हैं क्या ये खुदा की तख्लीक में से ये समझेंगे कोई बनावटी चीज़ है इस हाथी को हस्त हुआ जेर के साथ ही हज़र ख़ालिद के पास वापस भेज दिया इस जंग में मुसलमानों की फतह की एक बड़ी वजह हजरत करो की वो पॉलिसी भी थी जो उन्होंने इराक़ के काश्तकारों के बारे में वजह की थी और जिस पर ख़ालिद ने सख्ती से अमल किया था इस पॉलिसी के तहत उन्होंने काश्तकारों से मुतलिक तारज़ न किया जहाँ जहाँ वो आबाद थे उन्हें वहीं रहने दिया और जजिये की मामूली रकम के सिवा और किसी किस्म का ताबान या टैक्स उनसे वसूल न किया ज़ातुसलासल में जंग में शामिल होने वाले सवार को एक हज़ार दिनम का हिस्सा दिया गया और पैदल को इसका एक तिहाई दिया गया जंग काज़मा दूर रस नतज की साबित हुई इस लड़ाई ने मुसलमानों की आंखें खोल दीं और उन्होंने देख लिया कि वो ईरानी जिनकी सतवत का शोरा एक अरसे से सुनने में आ रहा था अपनी पूरी ताक़त के बावजूद इनकी मामूली फ़ौज के में भी ना ठहर सके इस जंग में मालिक गनीमत की जो मकदार उनके हाथ लगी उसका वो तस्व्र तो भी ना कर सकते थे फिर जंग्ला का ज़िक्र है जो बारह हिजरी में लड़ी गई हजद अब्बकर ने हजत खालिद को हिदायत की थी कि वो इराक़ में जंग का आगाज़ उबुल्ला से करें जो खलीज फारस पर एक सरहदी मुकाम था हिंदुस्तान और सिंध को जो तजारती काफ़िले इराक़ से आते थे सबसे पहले उबुल्ला में क़्याम करते थे उबुल्ला की फतह के मतलब दो रवायतें मशकूर हैं एक ये कि मुसलमानों ने उबुल्ला को सबसे पहले हजरतर के એને ફતહ કિયા લેકિન બાદ મે યે દુબારા ઇરાનીઓ કે કબજે મે ચલા ગયા ઓર હઝમર બિન ખતબ કે જમાને મે મુસ્લમાન ઇસ પર પૂરી તરહ કા કબઝ હુઆ બીજી રવાયત યે હે કિસકી ફતહ હઝમર કે જમાને મે હુઈ બરાત અલામતબરીને apni કિતાબ મે હઝુમર કે દોર-એ-ખিলাફત મે ઇસ જંગ કા મુક્ષસિર તઝકરા કિયા હૈ તો હમ ઇસકે બાદ વો લિખતે હૈ कि हज़त अबर के दौर खिलाफत में अबुल्ला की फ़तह का किस्सा आम सीरत नगारों और से सही रवायात के ख़िलाफ़ है क्योंकि अबुल्ला की फ़तः हजरत उमर के अहद में चौदह हिजरी में हज़रत उतपा बेनगवान के हाथ से अमल में आई थी तारीख़ की और किताबों में जंग अबुल्ला का जिक्र इस तरह आया है बादज मौरखीन इसको पहली बार हजत के केद मुबारक में होना बयान करते हैं और बाद इसकी तरदीद करते हैं कि ये जंग हजत के केद में नहीं बल्कि हजरत उमर के अद में हुई थी लेकिन कुतब तारीख़ में हज़रत हजरतमर और दोनों के अहद मुबारक में जंगबुल्ला और अबुल्ला की फ़तह का ज़िक्र मिलता है मालूम ये होता है कि इसकी पहली बार फ़तः हजतर के अहद मुबारक में हुई थी लेकिन बाद में ईरानियों की बहरी इमदाद के बलबूते पर अहल अबुल्ला ने बगावत करके आज़ादी हासिल कर ली फिर हज़रतमर के अह मुबारक में यह दोबारा फतह हुआ बहरहाल अबुल्ला की जंग की तफसील कुछ यूँ है जंग्लसल के अख्ताम पर हजरत खालिदिन वलीद ने हजरत मुसन्ना ईरानियों के शिकस्त खुद ताकू में भेजा और साथ ही हजरत माकल को अबुल्ला भेजा कि वहाँ पहुँच कर माल गनीमत जमा कर लें और कैदियों को गिरफ्तार कर लें नाचे माकल वहाँ से रवाना होकर अबुल्ला पहुँचे और माल गनीमत और कैदी जमा कर लिए बाद में हजरत उमर के अहद मुबारक में इसकी फ़तः की तफ़ील कुछ यूँ है कि हज़रतमर नेजरत उत्पा बिन रजवान को चौदह या सोलह हिजरी में बसरा की तरफ रवाना फरमाया हजरत उतबा वहाँ तो एक महीना रहे अहले अबुल्ला उनके मुकाबले के लिए निकले ये पाँच सौ अजमी सिपाही थे जो अबुल्ला की हिफाजत पर मामूर थे हजरतबा उतबा ने इन लोगों से लड़ाई की और उन्हें शिकस्त दी यहाँ तक ईरानी शहर के अंदर घुस गए और हज़रत हज़रतबा अपने लश्कर में लौट आए अल्ला ने फारसियों के दिल में रोब डाल दिया वो शहर से निकल गए और थोड़ा बहुत सामान लेकर किश्तियों में बैठे और दरिया बूर करके चले गए इस तरह पूरा शहर खाली हो गया मुसलमान शहर में दाखिल हो गए यहाँ पर मुसलमानों को काफ़ी सामान हथियार और दीगर मुख्त चीज़ें हाथ आईं और कैदी भी मिले इस सारे सामान का खमोश निकाल कर बाकी मालिक नीमत मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया गया मुसलमानों की तादाद तीन सौ थी फिर जंग मजार है एक जंग मजार सफ़र बारह हिजरी में हुआ ये मार्का जंग बारह हिजरी में लड़ी गई मजार में का कस्बा है मज़ार और बसरा के दरमियान चार दिन की मसाफत के बराबर फासला है इस वाक़े के रोज़ लोगों की ज़ुबान पर फिक्र था कि सफ़र का महीना आ गया है और इसमें हर जाल सरकश कत्ल होगा जहाँ दरिया इकट्ठे होते हैं हरमोज की जंग में बिन वलीद के मुकाबल था इसने अपने बादशाह को मदद के लिए लिखा था बादशाह ने उसकी मदद के लिए कारन की क्यादत में एक लश्कर भेजा मगर वो लश्कर अभी मजार के मुकाम पर पहुँचा था कि उसको जंग्लासल में हरमोज़ की शिकस्त की और उसके मारे जाने की इतला मिली और साथ ही हरमुस की फ़ौज की के शिकस्त खाए हुए दस्ते भी मजार में कारण से आ मिले और उनमें से बाज़ दस्तों के सिपाहियों ने दूसरे दस्तों के सिपाहियों से कहा कि अगर आज तुम तो मुतफ्रक हो गए तो फिर कभी जमा नहीं हो सकोगे इसलिए एकदम वापसी के लिए इकट्ठे हो जाओ दौड़ी फौज जो थी वो भी और जो नई कुमक आ रही थी ये नई फ़ौज जो आ रही थी ईरान से उनको दोनों मिल गए और दोनों ने एक दूसरे को इस बात पर जोश दिलाया गया जंग होनी चाहिए ये बादशाह की मदद पर मुश्तमिल नया लश्कर आन पहुँचा है उन्होंने कहा जो दौड़े हुए थे और ये इसका सफा सलार कारन हमारे साथ है मुमकिन है कि खुदा हमें गलबा अता करे और हमारे दुश्मन से हमें नज़दाता फरमाए और हम अपने नुकसान की कि किसी कदर तलाफी कर लें चना उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने मज़ार में पड़ाव डाल दिया कारन ने हरावल दस्ते पर कुबाज़ और अनुशाहान को मुकर किया जो जंग ज़ात तो में फ़रार हो गए थे दूसरी तरफ दुश्मन की इस तैयारी की इतला हजरत मुसन् और हजरत माना ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेज दी हजरत खालिद ने कारिन की इतला पाते ही मार्क ज़ात तो में हासिल होने वाला माल गनीमत उन्हीं मुजाहिदीन ने तकसीम कर दिया जिनको खुदा ने वो माल गनीमत दिया था और खुम में से भी मजीद जिस कदर चाह दिया और मार्का ज़्यादा ज्लासल में हासिल होने वाला बाकी माले गनीमत और इस मार्के में जो फतः हुई थी उसकी खुशखबरी है तो बकर खिदमत भिजवा दी और इस अमर से भी मुतल कर दिया कि मार्क ज़्यादा स्लासिल में दुश्मनों की हजीमत खुर्दाफाज और कारन की सरपराही में आने वाला नया लश्कर एक जमा हो जगह एक जगह जमा हो रहे हैं चाँचे हजरत खालिद रवाना हुए और मजार में कारिन की फ़ौज के मुक, मुकाबले पर आए और अपनी फ़ौज की सफाराई की दोनों तरफ से मुकाबला हुआ दोनों हरीफों की नहाय गैज़ वज़ब की हालत में मुठभेड़ हुई कारिन वारज़त के लिए मैदान में निकला दूसरी तरफ से उसके मुकाबले के लिए हजत खालिद और हजरत माक़ल बिन आशा आगे बढ़े दोनों कारण की तरफ लपके मगर हजरत माखिल ने हजरत खालिद से पहले एक कारन को जा लिया और उसे कत्ल कर दिया, हज़रत आसिम ने अनू शाहजान को और हजरत अदी ने कुबाज को कत्ल कर दिया इन तीनों सरदारों के मारे जाने से ईरानी हौसला हार बैठे और मैदान छोड़कर भागने लगे इस जंग में एहले फारस की बहुत बड़ी तादाद मारी गई और जो लोग पसपा हुए वो अपनी किश्तियों में सवार होकर भागे खालिद ने मज़ार में क़याम किया और हर मकतूल का सामान खा वो किसी कीमत का हो उसी मुजाहिद को अदा किया जिसने उसे कत्ल किया था और माल फै को भी उनमें तकसीम किया नीज़ खमुस में से उन लोगों को हिस्सा दिया जिन्होंने नुमाया करना सर अंजाम दिए थे और खमस के बाकी हिस्से को एक वफद के साथ सैद में नुमान की सरकर्दगी में मदीना रवाना कर दिया एक रिवायत के मुताबिक इस जंग में तीस हज़ार ईरानी कत्ल हुए और ये इनके अलावा हैं जो नहर में डूब कर मर गए और कहा जाता है कि अगर ये पानी माने ना होता तो इनमें से एक भी ना बचता फिर भी लोग लोग जो, जो लोग बच कर भागे वो बहुत प्रागंदा हाल और अपना सब कुछ छोड़ कर भागे जंग के बाद लड़ाई में हिस्सा लेने वालों और ईरानी फ़ौज की हमायत करने वालों को माहलोयाल के कैद कर लिया गया इन कैदियों में अबुल हसन बसरी भी शामिल थे अबुल हसन बसरी के बारे में कहा जाता है कि इमाम हसन के बसरी के वाले थे जो कि बसरा के मशहूर वायद और सूफ़ी थे मुसलमानों के कहा जाता है कि हसन बसरी को कैद करने के बाद मदीना लाया गया जहाँ इनकी मालिका ने उन्हें आज़ाद कर दिया था इस फ़तेह के बाद आम रियाया से बेहद नरमी का सलूक किया गया काश्तकारों और उन तमाम लोगों को बग़ैर किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचाया जजिया जि की अदायगी परमाता कर दिया गया और उन्हें उनकी ज़मीनों और जगहों पर बरकरार रखा गया इन इब्तदाई अमूर से फरागत हासिल करके खालिद ने मफ्तवा इलाक़े के नज्मों नस्क की तरफ तोजो की जजिया वसूल करने के लिए जा बजा माल मुकर किए गए मफ् इलाके की हिफाजत के लिए उन्होंने हफीर और जिस जसर आजम यानी सबसे बड़े पुल, पुल, पुल फौज मुतन कर रखी थी उनका इंतज़ाम और बेहतर बनाया गया और फ़ौजों के तमाम दस्तों को मुख्तलिफसरों के ज़र निगरानी देकर उन्हें दुश्मनों की खुफिया और एलानिया सरगर्मियों से खबरदार रहने और मौके मौका पड़ने पर उनका मुकाबला करने का हुक्म दे दिया गया खालिद की जंगी महारत का सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि सरजमीन ईरान में उनकी पेशकदमी के आगाज़ ही से किस तरह की ताकतवर फौजें मखलूब होनी शुरू हो गईं और उनके दमखम हौसले और वल्ले सब सर्द पड़ गए जंग मज़ार हीरा से कुछ ही फासले पर हुई थी हीरा खलीज और मदायन के दर्... तकरीबन दरमियान में वाक़ है इस जंग के बाद के मामला से फ़ारग होने के बाद खालिद बिन वलीद दुश्मन की नकलोहरकत की ख़बरों की दो शुरू में लग गए ताकि देखें क्या मूवमेंट है दुश्मन की दोबारा वो कटे तो नहीं हो रहा इस्लाम के ख़िलाफ़ हो वलजा एक जंग है जंग वलजा सफ़र बारह हिजरी में हुई वलजा कस्कर के करीब खुश्की का इलाका है जंग मजार में ईरानियों को जिस शर्मनाक शिक्स का सामना करना पड़ा कि उसमें उसके बड़े बड़े सरदार भी मारे गए थे इस पर ईरानी शाहनशाह ने एक और हमत अमली तय करते हुए और ज़्यादा तैयारी करके तैयारी के साथ मुसलमानों का मुकाबला करने की मनसूबाबंदी की चुनाच ईरानी हुकूमत ने इराक़ में बसने वाले ईसाइयों के एक बहुत बड़े कबीला बकर बिन वाइल के सरकर्दा लोगों को दरबार ईरान में बुलाया और उनको मुसलमानों के साथ लड़ने पर आमादा करके एक लश्कर तरतीब दिया और इस लश्कर की क्यादत एक मशहूर शाह सवार अंदर जगर के हाथ में दी और ये लश्कर वालाजा की तरफ रवाना हो गया इराक़ में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बिन वाहबाद था शहनशाह अर्दशीर ने उन्हें तलब किया और उनकी एक फ़ौज मरतब करके उन्हें मुसलमानों से मार कर राई के लिए वालाजा की जानवर रवाना कर दिया हीरा और कस्कर के नवाही इलाक़ों के लोग और किसान भी इस लश्कर के साथ, साथ मिल गए हीरा कोफा से तीन मील जनूब मकरब में एक शहर है कस्कर कोफा और बसरा के दरमियान एक कस्बा था बारा लेकिन इसके ख्याल से है कि मुसलमानों पर फ़ते याबी का फखर मुकम्मल तौर पर ईसाई अरबों के हिस्से में ना आए अपने एक बड़े सलार बहमन जाजवया जाजवे को भी एक भारी रशक के साथ उनके पीछे ही रवाना कर दिया जब इस फारसी सरदार को ये महसूस हुआ कि उनकी फ़ौज बहुत बड़ी हो गई है तो उसने हजरत खालिद बिन वलीद पर हमला करने का फ़ैसला किया जब हजरत बिन वलीद को फारसी फ़ौज के वलजा के जमा होने की खबर मिली उस वक्त आप बसरा के करीब थे आपने मुनासिब समझा कि फ़ारसी फ़ौज पर तीन जिहाद से हमला करें ताकि उनकी जमीयत मुंतशर हो जाए और इस तरह अचानक हमले से फारसी फ़ौज पर फौज परेशानी का शिकार हो जाए चाँचे आपने सवैद बिन मुक्रन को कायम का मुक्र किया और उन्हें हफीर बिन हफीर में ही क़यम पजीर होने का हुक्म दिया और उन लोगों के पास पहुँचे जिनको दिजला के जेर ज़ेरी जानेब छोड़ा हुआ था उनको हुक्म दिया कि दुश्मन से हर वक्त चुकने रहें और गफलत और फरेब में उबला ना हो और अपनी फ़ौज को लेकर वलजा की तरफ पेशकदमी की और दुश्मन के लश्कर और उसकी मावन जमातों के मुकाबले पर उतरे और शदीद तरीन जंग हुई खालिद बिन वलीद ने फौज के दोनों तरफ मुजाहिदीन के जरिए घात लगा रखी थी आखिरकार घात लगाए हुए दोनों दस्ते दोनों तरफ से दुश्मन पर हमला और हुए ईरानियों की फौजें शिकस्त खाकर भागी मगर हजरत खालिद बिन वलीद ने सामने से और घात लगाए हुए दोस्त दोनों दस्तों ने पीछे से उनको ऐसा घेरा कि वो बौखला गए यहाँ तक कि किसी को अपने साथी के कत्ल की भी परवाह न रही दुश्मन फ़ौज का सिपा सलार हजीमत ख़ुर्दा होकर बिलाकर मारा गया काश्तकारों के साथ खालिदिन वलीद ने वही सलूक किया जो उनका तरीक था यान यानी उनमें से किसी को कत्ल नहीं किया सिर्फ़ जंगजू लोगों की औलाद और उनके मावरीन को गिरफ़्तार किया और आम बशिंदगा मुल्क को जजिया देने और ज़िम्मी बन जाने की दावत दी जिसको उन लोगों ने कबूल कर लिया फिर जंग उलैस का ज़िक्र है जंग उलैस माय सफ़र बारह हिजरी में हुई उलैस भी इराक़ में अंबार की बस्तियों से एक बस्ती थी खालिद के हाथों वलजा के दिन कबीला बकर बिन वायल और ईरानियों को पहुँचने वाली एक और इबरतना शिक्स से उनके हाँगकॉन्ग ईसाई गदमनाक हो गए उन्होंने ईरानियों को और ईरानियों ने उनको ख़तूत लिखे और वो लैस के मुकाम पर सब जमा हो गए उनका सरदार अब्दुल अस्द इजली मुकर हुआ इसी तरह ईरानी बादशाह ने बहमन जाजवे को ख़त लिखा कि तुम अपने लश्कर को लेकर वो लैस पहुँचो और फारस और अरब के नसारा में से जो लोग वहाँ जमा हैं उनसे जा मिलो लेकिन बहमन जाजवे खुद तो लश्कर के साथ न गया अलबत्त उसने अपनी जगह एक और नामवर बहादुर जावान को रवाना किया और उसको हुक्म दिया कि लोगों के दिलों में जंग का जोश पैदा करो मगर मेरे आने तक दुश्मन से लड़ाई शुरू न करना सवाए इसके खुद पहल करें जापान और लैस की तरह रवाना हुआ बहमन जाजवे खुद ईरानी बादशाह और के पास गया ताकि उसे मश्रा करे मगर यहाँ आकर देखा कि बादशाह बीमार पड़ा है इसलिए महमन जाज़वे तो उसकी तीमारदारी में लग गया और जवान को कोई हदायत ना भेजी जवान अकेला लश्कर के हमरा मुज जंग की तरह रवाना होकर महा सफर में उल्हास पहुँचा मुख्तलिफ़ कबाइल और हीरा के नवाही इलाकों के अरब ईसाई जापान के पास जमा हो गए हज़र खालिद को जब इन ईसाई ग्रहों के इकट्ठा होने कितला लीं तो आप उनके मुकाबले के लिए निकले मगर आपको मालूम न था कि जवान भी करीब आ गया है ख़ालिद सिर्फ़ उन अरबों और नसरानियों से लड़ने के इरादे से आए थे मगर उलैस में जवान से सामना हो गया जब जवान उलैस पहुंचा, तो उस मौके पर अजमै ने जवान से पूछा कि आपकी क्या राय है आया पहले हम उनकी खबर लें या लोगों को खाना खिला दें यानी जंग शुरू करें खाना खा लें पहले और फिर खाने से फारग होकर उनसे जंग करें जवान ने कहा कि अगर दुश्मन तुमसे कोई तारुज न करें तो तुम भी खामोश रहो लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तुम पर अचानक हमला करेंगे और तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे इन लोगों ने जवान की बात ना मानी दस्तरखान बिछाए खाना चुना गया और सबको बुलाकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गए हजरत खालिद दुश्मन के मुकाबले पहुँच कर ठहर गए सामान उतारने का हुक्म दिया इस काम से फरागत हुई तो दुश्मन की तरफ मुतव हुए हजरत खालिद ने अपने अकब की हिफाजत के लिए मुहाफ दस्ते मुक़र्रर किए और दुश्मन की सफ़ की तरफ बढ़कर कर हुए कहा अबर कहाँ है अब्दुलस्द कहाँ है मालिक मिन ऐस कहाँ है मालिक के अलावा बाक़ी सब गुजरी की वजह से खामोश रहे मालिक आपके मुकाबले के लिए निकला खालिद ने उससे कहा इन सब में से तुझे मेरे मुकाबले आने की किस बात ने ज़रूरत दिलाई है तुझमें मेरा मुकाबला करने की ताकत कहाँ यह कह कहकर आपने उस पर वार किया और उसे कत्ल कर दिया और अजमियों को कबल इसके के वो कुछ खाएँ दस्तरखान पर से उठा दिया जवान ने अपने लोगों से कहा क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि खाना शुरू ना करो बखुदा मुझे किसी सालार से ऐसी दहशत नहीं हुई है जैसी कि आज इस लड़ाई में हो रही है जब वो लोग खाना खाने पर कादर ना हो सके तो अपनी बहादुरी जिताने के लिए कहने लगे कि खाने को फिलहाल हम छोड़ देते हैं यहाँ तक हम मुसलमानों से फारग हो लें फिर हम खाना खा लेंगे जापान ने कहा जापान ने कहा कि बखुदा मेरा गुमान ये है कि तुमने ये खाना दुश्मन के लिए रख छोड़ा है यह ना कि तुम लोग जीत जाओगे और फिर लोगे बल्कि लगता है मुझे ये खाना तो तुम्हारा दुश्मन ही खाएंगे यानी या मुसलमान ही खाएंगे, जबकि तुम शग्र नहीं रखते अब मेरी बात मानो तो फिर उसने कहा लोगों को मेरी बात मानो तो ये है कि खाने में जहर मिला दो अगर तुम्हारी फतह हुई तो ये नुकसान बहुत कम है खाना ज़ाया होने का और अगर फतह दुश्मन की हुई तो तुम कोई ऐसा काम कर चुके होगे जिससे दुश्मन मुसीबत मुबतला होगा जहर खा जहरीला खाना खाने गए उसे, मगर वो लोग जो थे उनको तो अपनी फतह का पुख्ता यकीन था इन लोगों ने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है जहर में लाने की हम आराम से जंग जीतेंगे और फिर खाना खाएँगे हजत खालिद ने अपनी फ़ौज की साफ आई इस तरह की जैसा कि इससे पहले की लड़ाइयों में कर चुके थे शदीद तरीन लड़ाई होने लगी ईरानियों को बहमन जाज्वे के आने की तो थी इसलिए खूब जमकर बड़ी शिद्दत से लड़े क्योंकि जापान उनको उम्मीद दिला रहा था कि वो एक बड़ा लश्कर लेकर चल पड़ा है और भी पहुँचने ही वाला है जबकि असल हकीकत यह थी कि बहमन को तो ईरानी बादशाह के बीमार होने की वजह से ना बादशाह से सूरत हाल जिक्र करने का मौका मिला और ना ही वो खुद लश्कर लेकर आ सकता था बल्कि उसका जापान से किसी किस्म का रबता भी ना रहा था बहरहाल इस जंग में मुसलमान भी इस इनके ख़िलाफ़ खूब जोश और गजब में, में आए बड़ी सख्त जंग हुई ईरानी फ़ौज के जोश और जज्बा और मुसलमानों की कमज़ोर पड़ती हालत का जिक्र करते हुए एक सीरत नगार लिखता है कि ईरानी लश्कर में से पहले ईसाइयों ने हमला किया लेकिन उनका सरदार मालिक बिन कैस मारा गया उसका मारा जाना था कि उनकी हवा उखड़ गई और वह बददिल हो गए ये देख जवान ने ईरानी फौज को आगे झोंक दिया ईरानी इस उम्मीद पर कि अभी महमन नई कुमक लेकर आया जाता है खूब दिलरी से लड़े मुसलमानों ने बार बार हमले किए लेकिन हर बार ईरानियों ने कमाल मर्दी और मुस्तकिल मिजाजी से हमले को नाकाम बना दिया बिलाखिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने मादी इसबाब जराए को नाकाफी होता देख कर बड़ी आयजी से हाथ उठा दुआ मांगी और अर्ज़ की ऐह अल्लाह अगर तू मुझे दुश्मनों पर गलबा तफर फरमाएगा तो मैं किसी एक दुश्मन को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और ये दरिया उनके खून से सुर्ख हो जाएगा बाज़ कुतुब में है कि हजर ख़ालिद ने कसम खाई थी या नज़र मानी थी कि अगर इस जंग में फ़तह हो गई तो किसी भी दुश्मन जंगजू को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा बहरहाल इसके बाद हज़रत खालिद ने जंगी चाल चलते हुए फ़ौज को दाएँ और बाएँ जनब से ईरानी लश्कर के अकब पर हमला करने का हुक्म दिया इस हमले से ईरानी लश्कर तितर बितर हो गया और उसे भागने या हथियार डालने में ही आफियत नजर आई अरत खालिद ने हुक्म दिया कि दुश्मन को पकड़ कर कैदी बना लो और मुकाबला करने वालों के सिवा किसी को कत्ल ना करो फिर उनको कत्ल करना है जो मुकाबला करते हैं इस बारे में एक रिसर्च सेल का नोट है और मैंने भी देखा है यह सही बात लगती है इसकी वजात करते हुए तारीख़ तबरी समेत अक्सर सीरत नगारों और मौरखी ने ज़िक्र किया है कि खालद ने अपनी इस दुआ में जो अद किया था इसके मुताबिक एक दिन और एक रात इन कैदियों को कतल करके नहर में डाला गया ताकि उनका खून उनका पानी खून से सर खो हो जाए यानी उन्होंने ना सिर्फ जंग से जंग लड़ी बल्कि कैदियों को भी कतल कर दिया और इस वजह से ये नहर आज तक नारद्दम यानि खून की नहर के नाम से मशहूर है बहरहाल लेकिन ये हकीकत नहीं लगती कि कैदियों को कत्ल करके फिर फिर खून फेंका गया हो नहर में और सीरत नगारों ने कुछ तसाह या मवालगा से काम लिया है ये एन मुमकिन है कि वो जहन जो इस्लामी जंगों में जानबूझ कर और व की झूठी कहानियाँ शामिल करने का बीड़ा उठाए हुए थे उन्होंने जहाँ मौका मिला अपनी तरफ से ऐसे वाक़ात को शामिल कर दिया था तारीख नगारों में बाज दुश्मन भी थे ऐसे दुश्मन रखने वाले या कीना रखने वाले जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी बात लिख दिया करते थे उन्होंने लिख दिया हो कि कैदियों को कतल करके नहर में बहा दिया लेकिन बहरहाल बजहिर ये लगता है कि ऐसा ही बात शामिल की गई है ताकि दजल और फरीब से लोगों के सामने ये पेश करें कि देखें किस तरह मुसलमानों ने म वितम किए और नही कैदियों को कतल किया गया हर चंद के अवल तो क़ैदियों को कतल करना है उस वक्त के कवायद और, और जारी जंगी असूलों की उसे कोई काबिल ऐतराज़ अमर भी नहीं था लेकिन इस्लामी जंगों ने खूब आदरतम के द मुबारक औरहद खिलाफ राश्ता की जंगों में वाक़ता ऐसा हुआ भी नहीं कि कैदियों को इस तरह कतल किया गया हर चंद के इन जंगों में हज़ारों लाखों तक मकतूलिन की तादाद मिलती है लेकिन सब वो थे कि जो हालत जंग में मारे गए थे अगर ख़ालिदन वलीद जैसे शफा सलार की जंगों का मतलब किया जाए तो उन्होंने भी जहाँ तक मुमकिन हुआ मैदान जंग में भी हर उस शख्स की जान बख्शी ही की है जिसने हथियार फेंक दिए या एतात कबूल कर ली और जिसको भी कतल किया बावजूद तारीख़ नगारों की अफसाना तराजी के तहकीक करने पर उसको कत्ल की ठोस वजूह और इसबाब मौजूद पाए गए हैं बहरहाल इस वाक़ा को देखा जाए तो यह भी कुछ बनावटी किस्सा ज़्यादा मालूम होता है क्योंकि मौरखीन और सीरत नगार जो कि इन जगहों की तमाम तर तसीलत बयान करते हैं और बयान करते हुए हर छोटी से छोटी बात का कर भी ज़िक्र करते हैं इनमें से बाज़ ने इस वाक्य का सिरे से ज़िक्र ही नहीं किया और ये दलील है इस बात की क्योंकि बनाई हुई बातें हैं और एक मुसनफ़ ने जो बहुत आजादा राय रखते हैं वो तारीख़ को बयान करते हैं काबिल एतराज़ हद तक वो ऐसी बातें भी बयान कर जाते हैं कि जिससे इतफ़ाक़ नहीं किया जा सकता वो भी इस वाक़ा का तस्कर करने के बाद दिखते हैं कि रावियों ने यह रवायत बयान करके मबालगा रही की इतहा कर दी है इतना यकीनी है, है कि यह खालिद ने दुश्मन कतले दुश्मन ने इस्लाम पर तशद बढ़ता था इतना कि उसे देख कर काका और उसके साथियों से रहा ना गया इसी तरह एक मुसनफ़ ने इस वाक़े को बयान किया है एक सख्ती जी थी कैदियों पर लेकिन ये कत्ल करना यह गलत नहीं है इसी तरह एक मुसनफ़ ने इस वाक़ को बयान किया है जिससे मालूम होता है का मलान ये हकीकी तौर पर ईरानियों को नहर में कतल करके फेंका नहीं गया था चुनाचे वो लिखता है कि हज़रत खालिद ने फुर्ती से हमले करके ईसाइयों को इस तरह काटना और ईरानी सफ़ों को ज़ेरो ज़बर करना शुरू किया जैसे वो मिट्टी के बने हुए हों और गोश्त पोस्त के इंसान हों क्योंकि ईरानी लंबाई में दूर तक फैले हुए थे इसलिए उन्होंने हलाली सूरत में आधा दायरा बनाया गया था बढ़कर मुसलमानों को निर्गे में ले लिया अब सूरत यह हो गई कि मुसलमानों के चारों तरफ ईरानी और ईसाई अरब छा गए और बड़े जोश से लड़ने लगे लेकिन जिस जोश और खरोश से मुसलमान लड़ रहे थे वो ईसाइयों में नहीं था हर मुसलमान खूनखार शेर बन गया और ज़ोरदार हमले करके ईसाइयों को घास फूस की तरह काट रहा था अगरचे ईरानी भी मुसलमानों को शहीद और ज़ख्मी कर रहे थे लेकिन मुसलमान बहुत कम गिर रहे थे और जख्मी जो ज़ख्मी होता वो और भी जोश के साथ लड़ने लगता था ईरानी इस कसरत से मर रहे थे कि उनकी लाशों से मैदान पटा पड़ा था और जो ईरानी जख्मी हो जाता था वो मैदान जंग से हट जाता था मुसलमानों ने इस कदर खून रेज़ी की कि उनके कपड़े पर ख़ून के धब्बे जम गए ईरानियों बिन वलीद के कपड़ों का भी यही हाल था ईरानियों के ख़ून से ज़मीन सैराब होने सैराब हो गई और फ़ालतू ख़ून पानी की तरह बहने लगा आखिर ईरानियों को हजीमत हुई वो बदहवास होकर भागे मुसलमान उनके पीछे लग गए और दूर तक उन्हें कत्ल और गिरफ्तार करते चले गए और ईरानी ऐसे बदहवास होकर भागे कि उनके हजारों सिपाही दरिया में गिर कर डूब गए जब ईरानी दूर निकल गए तब मुसलमान वापस लौटे इस लड़ाई में सत्तर हज़ार ईरानी मारे गए मुसलमान एक सौ अड़तीस शहीद हुए बहरहाल रखीम इस बात पर तो भी हैरत होती है कि मुसलमानों ने ईरानियों की इतनी बड़ी तादों कैसे मार डाला एक तारीख नगार ने ये लिखा है इस हवाले से साफ जाहिर नज़र आता है कि अगर नहर के पानी के सुरख हो जाने वाला वाक़े को दोस्त ही कर लिया जाए तो वो लोग जिनकी वजह से नहर खून से सुरख हो गई वो उन्हें उन्हीं जख्मी सिपाहियों के डूबने की वजह से भी हो सकती थी लिहाजा कहा जा सकता है कि ऐसे वाक़ात में उबालगा आरई की आवेजश भी किसी हद तक शामिल हो गई जिसकी बिना पर इस्लामी जंगों और हजरत खालिद बिन हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ात पर रकीक हमले करने वालों को मौक़े मिले ये जंगों में मुसलमानों पर वैश्यनाज़ अख्तियार करने का या जंगों में मुसलमानों पर वैशियाना तर्ज अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया गया और लवे तो जानता है लेकिन बाहिर यही लगता है कि सिर्फ इल्जाम है बहरहाल जब दुश्मन हजीमत उठा चुका और उसकी फौज पूरा गंदा हो गई और मुसलमान उनके ताकों से फारग होकर वापस आ गए तो खालिद खाने के पास आकर खड़े हुए और कहा ये तुम लोगों को ये मैं तुम लोगों को देता हूँ ये तुम्हारे लिए है क्योंकि अलैहि वसल्लम वजबात में जब मैदान छोड़ कर भागने वाले दुश्मन का तैयार खाना पाते तो उसको अपनी फौज में तकसीम कर देते थे चाँचे मुसलमान रात के खाने के तौर पर उसे खाने लगे और लैस की जंग में दुश्मन के सत्तर हज़ार आदमी हिला हुए जैसे जिक्र हो चुका है अमेशिया की फता के बारे में लिखा है अमेरिया को अल्लाह ने सफ़र बारह हिजरी में जंग के बगैर ही फतः करा दिया था अंग्वेशा इराक़ में एक जगह का नाम है जब हज़रत खालिद और लैस की फतह से फारग हो गए तो आपने तैयारी की और अम्वेशा आए मगर आपके आने से कबल ही वहाँ के बाशिंदे जल्दी से बस्ती छोड़ कर भाग गए और सवाद में मंतर हो गए खिलाफत इराक़ में वो बस्तियाँ जिनको मुसलमानों ने हज़रतमर के दौरे खिलाफत में फतह किया और वहाँ खेतों में सर सब्जी की वजह से उसे सवाद का नाम दिया गया खालिद ने अंगशा और इसके कुर्क जवहार में जो कुछ भी था उसे मुनदम करने का हुक्म दिया हीरा के बराबर का शहर था वो लहस इस मुकाम की फ़ौजी चौकी थी मुसलमानों को अंगशिया से इस कदर मालिक नियमत हासिल हुआ जात तो से भी लेकर अब तक किसी जंग में हासिल नहीं हुआ था इस जंग में घुड़सवार का हिस्सा पंद्रह सौ दरम था और ये हिस्सा उनम बालीमत के अलावा था जो कार नुमा अंजाम देने वालों को दिया गया था उलैस और मगेशिया की फतह की इतला हज़ खालिद ने बनो इजल के एक जंगल नामी शख़्स के जरिए रवाना की थी जो एक बहादुर गाइड के तौर पर मशहूर थे उन्होंने हज़रत अबूबकर की खिदमत में पहुँच कर और लैस की फ़तह की खुशखबरी मालिकनीमत की मकदार कैदियों की तादाद खमुस में जो चीज़ें हासिल हुई थी और जिन लोगों ने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए थे उन सब की तफसील और ख़ास तौर पर हजरत खालिद की बहादुरी के कारनामे बहुत उमदगी से बयान किए हजरत अबूबकरह को उनकी शजात पुख्ता राय और फ़तेह की खबर सुनाने का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया यानी उस जो नुमाइंदा भेजा था उसका यतीक था उसकी बहादुरी किस्से थे और जो अंदाज़ था बयान उसका हजूर को बड़ा पसंद आया आपने उससे पूछा तुम्हारा तो नाम क्या है उसने अर्ज़ किया मेरा नाम जंदल है आपने फरमाया बहुत हो जंदल और फिर आपने उसको मालिक गनीमत में से एक लॉन्डी देने का हुक्म दिया जिससे उसके यहाँ औलाद पैदा हुई इसी तरह इस मौके पर हज़रत लोगों को ने फरमाया अब औरतें हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा शख्स पैदा नहीं कर सकेंगी बाकी इन आइंदा الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده رسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر